नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। कोरोना का कहर हर किसी पर पड़ रहा है और लीजिए, अब कपूर खानदान भी इसकी चपेट में आता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल पिछले 1.5 साल से अगर आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है जैसे बॉलीवुड के कपूर खानदान को किसी की नज़र लग गई है। पिछले 1.5 साल में एक के बाद एक राज कपूर के 3 बच्चों का निधन हो गया है और अब जो खबर मिल रही है वो भी कपूर खानदान के फैंस के लिए बुरी है। दरअसल रणधीर कपूर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और बताया जा रहा है कि 74 साल के रणधीर कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। तमाम एहतियात वो बरत रहे थे, लोगों से मिलना जुलना उन्होंने कम कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद वो इस डेडली वायरस की चपेट में आ गए हैं, जिसके बाद मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। फिलहाल जिन डॉक्टर्स की देखरेख में रणधीर कपूर हैं, उन डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी हालत स्थिर है, उनका इलाज चल रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही वो ठीक हो जाएंगे। बता दें, शुरुआती लक्षण तो रणधीर कपूर में नहीं दिख रहे थे, लेकिन जब उनको महसूस हुआ कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उसके बाद उन्होंने टेस्ट कराया तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जाहिर तौर पर कपूर खानदान के लिए ये किसी बुरी खबर से कम नहीं है और इसीलिए पूरी कपूर फैमिली अब रणधीर के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रही है। जो डॉक्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि जल्द ही रणधीर कपूर रिकवर कर लेंगे, लेकिन उनके फैंस लगातार दुआ कर रहे हैं कि कुछ भी गलत ना हो, ठीक ठाक वो अपने घर पर वापस लौट आए। अब बात करें अगर कपूर खानदान की, तो पिछले 1.5 साल में 3 भाई बहन जो हैं वो इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। मसलन ऋषि कपूर, जिनका निधन आज ही के दिन बीते साल हुआ था, 1 साल उनकी डेथ एनिवर्सरी को हो गया है। और इसके अलावा रितु नंदा का निधन 14 जनवरी 2020 को हुआ था। और अगर हम राजीव कपूर की बात करें तो इसी साल उन्होंने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। अब अगर रणधीर के फिल्मी करियर की बात करें तो एक से बढ़कर एक हिट फिल्में उन्होंने बॉलीवुड को दी हैं, एक लंबी चौड़ी फैन फॉलोइंग है उनकी। इतना ही नहीं, कई इवेंट्स में जब वो शिरकत करते थे तो उस वक्त भी जिस अंदाज में वो अपनी बात रखते थे तो वो लोगों को काफ़ी पसंद आता था। हालांकि कोरोना काल में उनको किसी भी इवेंट में नहीं देखा गया। और इसी बीच अब जब खबर उनके अस्पताल में भर्ती होने की आई है तो लगातार फैंस दुआ कर रही हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। इस पूरी खबर पर आपकी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं।